हेलो गाइस, कैसे हो? अभी हम आए हैं सिकंदराबाद लेक पे। आपको मैं दिखाता हूँ हैदराबाद की सिकंदराबाद लेक। यार इसकी आपको स्टोरी भी बताता हूँ अभी गाइस। ये ना हैदर अली और सिकंदर अली दो भाई थे गाइस, ठीक है। ये दोनों भाइयों का, एक हैदर अली था उसका हैदराबाद था, जो सिकंदर अली है उसका सिकंदराबाद, ठीक है। इनके नाम पर शहर चल रहे हैं गाइस। अभी हम हैं सिकंदराबाद लेक, ठीक है। अभी मैं आपको सिकंदराबाद लेक दिखा रहा हूँ। दिखाने से पहले प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। प्लीज़ गाइस, अभी मैं दिखाता हूँ आपको सिकंदराबाद लेक। गाइस लुक इट, ये है सिकंदराबाद लेक। ये सारी सिकंदराबाद लेक। अभी हम दूसरी साइड पे हैं सिकंदराबाद लेक की। वो देखो गाइस, बीच में वोटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो किश्ती चल रही है बीच में, मैं जूम कर रहा हूँ एक मिनट। ये देखो आपको दिख रही होगी, देखो लोग वो कर रहे हैं। ये सामने स्टैचू ऑफ बुद्धा है, मैं फ्रंट साइड पे जाके ये भी कवर करूँगा, स्टैचू ऑफ बुद्धा। और यहाँ की सबसे ख़ास बात बताऊँ क्या लगी गाइस, मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको सामने की तरफ। ये देखो क्या है। जिन जिन भाइयों ने गैस किया बताना ज़रूर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के झंडे की। क्या मैं कह रहा हूँ, इतने अच्छे व्यू पॉइंट पे है ना, इतने अच्छे व्यू पॉइंट पे है, मज़ा आता भाई देखने में। सो ये आप देख रहे हो सिकंदराबाद लेक। ये है रोड जो सिकंदराबाद लेक को अटैच होता है गाइस। अगर आप आना चाहते हो गाइस सिकंदराबाद लेक की तरफ, तो आप हैदराबाद से रैपिडो भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने वोगो की ऐप से टू व्हीलर रेंट किया था गाइस। ये है वो टू व्हीलर जो मैंने वोगो ऐप से डाउनलोड किया, ठीक है। इसका गाइस मेरे को सिर्फ 250 रेंट पड़ा है, ओके। आप इसको रेंट पे लेके पूरा हैदराबाद एक्सप्लोर कर सकते हो। हैदराबाद, सिकंदराबाद, आप जहाँ भी जाना चाहते हो, ठीक है, वहाँ जा सकते हो। ये देखो सिकंदराबाद लेक, कह रहे हैं ना यहाँ पे गाइस। देखो अभी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, बट फिर भी देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखो कोई कुछ बना हुआ, आई थिंक बाज़ार भी लगा हुआ है। ये रोड साइड पे हैं, ठीक है। तो वो सामने की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, हाईटेक सिटी है। बट जो मेन हाईटेक सिटी है ना, मैंने कल गाइस आपको बताया था हैदराबाद की, वो ना गाइस मैं आपको सच बताऊँ ना गाइस आपको मैं सच बताऊँ वो सिर्फ 6-7 दिनों में नहीं, आने वाले 10 साल पहले नहीं थी वो हाईटेक सिटी, ठीक है। आप देख लो 10 साल के बीच में हैदराबाद ने इतनी तरक्की की है ना, तो पूरी की पूरी हाईटेक सिटी बना डाली इन्होंने, ठीक है। तो हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे मतलब स्टडी इतनी बढ़िया बच्चों के लिए, तो बच्चों की लाइफ बढ़िया सेटल होती है यहाँ पे यार। स्टडी बहुत अच्छी है गाइस यहाँ की, ठीक है। और मैक्सिमम लोग यहाँ के इंजीनियर ही होते हैं सच में। आप पीछे का व्यू देख लो गाइस, क्या मस्त व्यू है पीछे। ओ मैन, अभी गाइस हम बुद्धा का जो स्टैचू है, मैं आपको वहीं उसके पास लेके चलूँगा। यार एक तो गाइस मैं सारा दिन घूमना चाह रहा था, बारिश सारा दिन हटी नहीं, इतना बुरा हाल किया रखा,
अभी भी आप देखोगे ना मैं भीगा हुआ हूँ, ठीक है, बारिश नहीं हट रही है, फिर भी मैंने कहा आप सबके लिए मैंने एक्सप्लोर करना, बाद में आप बोलोगे भाई ने घुमाया ही नहीं, एक्सप्लोर नहीं करा। देख लो पीछे गाइस, आप देख रहे हो मेरे पीछे हुसैन सागर लेक, इसको बोलेंगे हुसैन सागर लेक। लास्ट मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ हुसैन सागर, सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है गाइस। अभी आपको लेके चलते हैं स्टैचू ऑफ बुद्धा के सामने, ठीक है गाइस, बाकी मैं आपको वहाँ जाकर आपको बताता हूँ। ओके चलो भाई आपको लेके चलें स्टैचू ऑफ बुद्धा के सामने, ठीक है। अभी मेरे को आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। गाइस आपको अभी लेके चल रहे हैं हम स्टैचू ऑफ बुद्धा की तरफ। चलो गाइस साथ ही साथ आपको मैं रास्ता भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये रास्ता जा रहा है सीधा हैदराबाद सिकंदराबाद, बिल्कुल बीच में आ रहे हो आप, बस स्टैंड पे आप आओगे आपको 10 रुपये की बस मिल जाएगी सिकंदराबाद हुसैन सागर लेक के लिए, ठीक है गाइस। हुसैन सागर लेक सिकंदराबाद लेक एक ही है, आप उधर देख सकते हो गाइस सामने है स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है गाइस। अभी आप देख रहे हो सामने स्टैचू ऑफ बुद्धा, आप सामने देखो गाइस बोट भी, बोटिंग भी हो रही है सामने, ये देखो गाइस, और सामने है स्टैचू ऑफ बुद्धा। हुसैन सागर लेक में है स्टैचू ऑफ बुद्धा, देखो गाइस वहाँ पे सारा ये ट्रैफिक है वहाँ पे। अभी गाइस रात का टाइम है, फिर भी मेरे को अच्छा व्यू लग रहा है स्टैचू ऑफ बुद्धा, व्यू भी अच्छा है। और अगर आप जाना चाहते हो सामने आप वो देख रहे हो ना गाइस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप स्टैचू ऑफ बुद्धा को पास से देखने जाते हो ना तो गाइस सामने ना आप जो देख रहे हो, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, ये सामने क्रूजर खड़े हैं गाइस, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ बुद्धा के बिल्कुल पास तक आपको ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, इनका एंट्री है स्टार्टिंग 250-300 अराउंड क्रूजर का गाइस, ठीक है, 250 अराउंड 300 आप जा सकते हो। बुद्धा का स्टैचू है ना जो गाइस, उसको आप बहुत इजी पास से देख पाओगे, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल रात का समय है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यार, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर देखो ये जो ये हैदराबाद से रोड आ रही है सामने की, और इधर जो रोड है ये आ रही है सिकंदराबाद से, ठीक है गाइस। आप कहीं भी हो हैदराबाद सिकंदराबाद का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो आप आ सकते हो ईजी।